नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, वो है कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पद के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कब से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें एज क्या रहेगी और इस पोस्ट के लिए यानी कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक के लिए के पाठ्यक्रम क्या रहेगा और कौन कौन से फेज़ में क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा और यानी कि आपका जो फेज़ फर्स्ट होगा और फेज़ सेकंड उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी और आपको फीस का जो एग्जामिनेशन फ़ी है या आपको भरनी है वो कितनी रहेगी इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, वो सबसे पहली बात है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम और किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप मान्यता प्राप्त हैं और वो ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। उसके बाद में हम देखते हैं आयु, तो आप अगर जो इसकी मिनिमम एज है वो 18 और 40 के मध्य अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद में भी 40 से बाद में भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं तो उस प्रकार जो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके प्रकार से आपको एज रिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं परीक्षा शुल्क, यानी आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको 500 रुपये, और आप SC ST कैंडिडेट हैं और दिव्यांगजन हैं तो आपको 350 रुपये पे करने होंगे। और इसके बाद में हम देखते हैं परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम, जो इसका परीक्षा का स्ट्रक्चर यानी कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसका एग्ज़ाम होगा। सेक्शन ए में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेक्शन बी यानी कि कंप्यूटर एफिशिएंसी में आपको जगह दी जाएगी। तो उसे देखते हैं सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या सिलेबस रहेगा। सेक्शन ए यानी कि आपको रिटन टेस्ट होगा, वो आपका जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। और जो ये तीन सब्जेक्ट हैं ये देखिए, और तीनों ही सब्जेक्ट के आपके 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स आपका रहेगा 100, ठीक है। और सबसे पहले आपका हिंदी रहेगा वो 100 का, इंग्लिश भी 100 का और जनरल नॉलेज भी 100 का। और आपको जो इसमें मिनिमम मार्क्स आपको कंपलसरी लाना ही लाना इन तीनों सब्जेक्ट को, यानी कि 300 नंबर्स का आपका पेपर्स हैं तो आपको 120, SC ST PH कैंडिडेट है तो आपको 120, और अदर कैटेगरी से आप बिलोंग रखते हैं यानी कि जनरल और OBC हैं तो आपको 135 कम से कम लाना ही होंगे। और आपको दो घंटे का आपको समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें 50 मल्टीपल क्वेश्चन वो रहेंगे और ओमर आंसर शीट होगी और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और जो हम देखते हैं कि हिंदी का पाठ्यक्रम किस प्रकार रहेगा, तो ये देखिए हिंदी में आपका रहेगा संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, विग्रह, सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, समस्वरूप शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इस प्रकार ये 13 टॉपिक हैं वो आपके हिंदी में रहेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका जो रहेंगे इसमें भी आपके 12 टॉपिक टोटली। और जो सबसे पहला हम देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस सिक्वेंसेस एंड टेंसेस, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनेशन एंड प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड द वर्ड्स एंड रॉन्गली यूज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, कंफ्यूजेबल वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, इस प्रकार के 12 टोटली आपके टॉपिक रहेंगे। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपका यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स दे रखा है,
ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज दे रखा है, और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान इस प्रकार ये दे रखा है। अब बात करते हैं सेक्शन बी, यानी कि आप उसमें से मिनिमम क्राइटेरिया पास करके और मेरिट में अगर आ जाते हैं तो आपका सेक्शन बी में आप पार्टिसिपेट करेंगे। सेक्शन बी जो आपका रहेगा टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पर रहेगा आपका, और टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, द कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी शैल बी कंसिडर टू पेपर्स। पेपर फर्स्ट स्पीड टेस्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश, 5-5 मिनट के रहेंगे, और जो मार्क्स आपका रहेगा 25-25 के, और SC ST और PH कैंडिडेट तो मिनिमम 20, और फॉर अदर कैंडिडेट है तो आपको 22.5 आपको मार्क्स मिनिमम आपको गेन करने ही होंगे। और जो पेपर टू है इसका एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपका रहेगा 10 मार्क्स का, और GAB का मार्क्स भी 50 हैं, और SC ST PH है तो आपको मिनिमम आपको लाने ही होंगे 20, और अदर कैटेगरी के आप हैं तो 22.5 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। और जो आपका फ़ॉन्ट रहेगा वो जो हिंदी का फ़ॉन्ट है वो कृतदेव 010, और जो इंग्लिश का है वो कैलिबरी इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर जो दे रखा है वो उसी के बारे में है, वो जो एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा उसमें आपका यह पर दे रखा पैराग्राफ पेजेस एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स और फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, ये इस प्रकार का रहेगा। अब बात करते हैं कि जो आपका टोटली यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट और प्लस आपको जो कंप्यूटर में आपने जो एफिशिएंसी में और टाइपिंग में इत्यादि में गेन किया उसके मार्क पे ही आपकी टोटली जो मेरिट ऑल ओवर मेरिट बनाई जाएगी। और उसके जो आप आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन है आप वो 1 अक्टूबर 2020 से 1 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं, और जो इसका शुल्क वो है आप 1 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक रात्रि 11:59 बजे तक आप कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।